लिया, किसी की पेड़ा दे रहा है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला भारत के अंदर है। ये भारत की प्राचीनता को प्रदर्शित करता है, भारत की समृद्धशाली संस्कृति का प्रतीक भी है, जो हमें बार बार इस बात का एहसास कराता है कि हमारे भारतीय ऋषि परंपरा ने किसी एक विशिष्ट घटना को, जिसने राष्ट्रीय जीवन को और सामाजिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, उसे पर्व और त्योहार के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी प्रस्तुत की है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहार हम सबको आपस में मिलकर के अपने समाज की समृद्धि के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि हम सब हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व और त्योहार मनाएं, लेकिन याद रखना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे पर्व और त्योहारों के अनुशासन को भंग करता हो। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना है। छोटे नवजात शिशु बच्चे भी इस कार्यक्रम में आए, मैं चाहूंगा उनकी आंखों में कोई रंग ना डाले, किसी की भी आंखों में नहीं डालेंगे। दूसरा, सहमति के आधार पर ही रंग लगाएंगे। अगर किसी को हो सकता, कोई बुजुर्ग हो, केवल आपके शोभा यात्रा को देखना चाहता हो, अगर स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं है तो जबरन उनके ऊपर रंग नहीं डालेंगे। आज तो प्रकृति भी आपके साथ, आप देख रहे होंगे कि प्रकृति भी आपके साथ रंग भरी होली खेलने को उत्सुक दिखाई दे रही है। तो जब प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, कोरोना का समाप्त होना यह परमात्मा का ही आशीर्वाद है। और अचानक आपने देखा होगा कल तक कितनी धूप थी और आज सुबह सुबह बहुत अच्छी सुहावना मौसम हो गया। ये प्रकृति और परमात्मा की ही कृपा है। भाइयों बहनों, इसको अपना सौभाग्य मानना चाहिए। हम सब मिलकर के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और जीवन में हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि होली का दहन हमारे व्यक्तिगत ईर्ष्या को, राग द्वेष को, बैर भाव को, दहन करने का अहंकार को समाप्त करने का एक अवसर हमें प्रदान करता है। और होली की रंग भरी होली हमें आपसी बैर भाव को दूर करने की भी प्रेरणा प्रदान करता है। और आज हम सब यहां पर अपने विचार परिवार के साथ मिलकर के यहां के सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के हर गोरखपुर का वासी भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा के साथ जुड़ करके पूरे उत्साह उमंग के साथ होली के इस आयोजन के साथ आनंद ले रहा है। भाइयों बहनों, हर कालखंड में प्रहलाद भी होते हैं और हिरण्यकश्यप और होलिका भी होती है। याद रखना, नरसिंह भगवान की कृपा हमेशा अपने भक्त पर ही बनती है। जो राष्ट्र भक्त है, जो समाज के हित के लिए कार्य करता है, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा उसी पे होती है। जो विघटनकारी है, अराजक है, अनुशासनहीन है, उन लोगों पर परमात्मा की कृपा कभी नहीं होती है। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके हम अपने पर्व और त्योहारों का आनंद लेंगे। मैं एक बार फिर से होलिका उत्सव समिति को इस भव्य आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि मंच के अनुशासन का पालन करते हुए आप सभी मंचीय कार्यक्रम जब तक संपन्न न हो तब तक कोई रंग गुलाल वहां न डाले। यहाँ पे आरती के बाद, प्रार्थना के बाद, फिर यहाँ से जब पहले पुष्पों की होली, फिर रंग और गुलाल की होली होगी, उसके बाद फिर नाचते हुए गाते हुए आप अनुशासन के साथ इस शोभा यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। ताली बाजी के अलावा और
साथ में। ये उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बनी रहे, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सब उत्साह और उमंग के साथ होली खेले। आप सबके प्रति, आपके परिवारजनों के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आगे क्षण के प्रार्थना होगी, ध्वज उतरेगा, फिर आरती होगी, उसके बाद ही सूचना के बाद भगवान नरसिंह जी का फूल और अबीर से जब उनको श्रृंगार उनका हो जाएगा, आरती हो जाएगी। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से आप देख रहे थे और लगातार इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।